वाह, ये हो रही है इनकी शूट के लिए तैयार। काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं पड़ी थी हमारे सजो सबरों के, तो बस अभी रील में इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो ये उतारना बहुत मुश्किल है। क्या चीज? तो फिर ना उसी में लटका ले ये। सही में एक बार दिखा ना, घंटे में घंटे लटका ले बस ये। सही है। खराब लग रहा है। सही है। अबे कुछ नहीं दिखाई देता यार, तब तुम लोगों को पता नहीं क्या दिमाग कब हो रहा है। दिखाई दे तो बता देना, तब चेंज कर लूंगी, है ना। हाँ। तो यार जूड़ा बांध रहा है। तो जूड़ा बांधे, जूड़ा बांध क्यों होता है? गर्मी लग रही थी। सही है, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पैंट भी अच्छा है इसका। हो गई लाइनिंग की वजह से कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल लाइनिंग लग रही है। सूट में तो कॉटन ही है, लिरिक्स अच्छा दे रही। सिल्क सिल्क दिख रहा है, पसंद रहा है। उसको जल्दी बाहर आने की जल्दी, तो कौन रोके भैया। आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। पता है जितना तकलीफ में मतलब माँ होती है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ में बच्चा होता है। उसको भी जल्दी रहती है आने की बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। आज है 11 जुलाई। पिछले दो तीन दिन से इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है ना कि आदत तो छूट गई है एडिटिंग की। पहले जो एडिटिंग मुझे लगती थी दो घंटे में कर पाता था मैं एक दिन की वीडियो एडिट, अब उसी एडिट करने में लग रहा है चार पाँच घंटे। अब कल रात को 3 बजे तक मैंने वीडियो एडिट करी, 8 जुलाई 9 जुलाई वाली, और एडिट करते करते फिर एक्सपोर्ट लगा दी। सोचा एक्सपोर्ट हो जाएगी, अभी जागता रहा थोड़ा आधे घंटे बाद मेरी आँख लग गई। अब आँख खुली जाके सीधी सुबह 6 बजे बक्की ने जगाया 6:30 बजे पूरी स्कूल छोड़ने जाने के लिए। तो वीडियो भी नहीं आज आएगी कोई, इस बात का तो मुझे बहुत दुख है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है आज गैस का, पता नहीं क्या रेगुलेटर में दिक्कत आ गई, गैस बहुत लीक कर रही है। बहुत मतलब अभी तक भी लीक कर रही थी, पिछले लगभग 1 साल से महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं। वैसे ये लगा कि अभी गैस ऑन करती तो ऐसे नहीं करती, यहाँ से नीचे भी निकल रही है बहुत। ये फगन ये हमारा जान है रे। ओ फगनिया 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 प्रेग्नेंट है ना। हां फगनिया तो रोए लगे थे हम मुझे देख के। फगनिया मां जी क्या नाम था उसका? मां जी टमाटर। ये अभी टाइम हो रहा है ना 8:30। पापा अभी से दुकान खोल दिए। हां चल ना, इसलिए वाइपर खड़ा किया, इस पे नहीं चढ़ रही है, पता नहीं काम कर रही है, जमीन पे उधर घूमती फिर रही है। अब तू जान तेरा काम जान, ठीक है? मैं नहीं कर सकता चाय बनती है। तो अभी फाइनली बारिश हो गई है तो थोड़ा सा सुकून है, मतलब लग रहा है कि ऐसा बाहर सुकून हो जाएगा। मुझे देख लो सुकून है, देख लो सुकून है। आज किसी न किसी का कमेंट आएगा कि आटा मार रही है चप्पल पहन के। अरे हम बिना चप्पल के बिल्कुल भी पहन रखा था जमीन पे। हाँ मैंने सोचा इसीलिए लोगों को पहले बता दूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है पैर। अच्छा मुझे मिल
आराम से आराम से आराम से। मेरे पैर सूज रहे हैं देखो। पता है हम बिल्कुल तभी तो ये इसकी वाली चप्पलें बनती नहीं है इसके। हाँ तो ये है सादा, ये है प्याज टमाटर वाले आज बन रहे हैं आलू के पराठे। मैंने चटनी पीस दी है अभी, अब बस धनिया काट के आलू में डालनी है बराबर बराबर मात्रा में। मेरी सारी गलतियाँ माफ है इस टाइम पे क्योंकि मैं मजबूर औरत हूँ। मजबूर औरत ये मेरी कहानी। देखिए मेरे आंसुओं से गंगा पार नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी गुड्डू का ये सीन, मतलब कि गुड्डू का ये वाला फेस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ट्रैवलिंग शुरू करेंगे। पहले हम इटावा के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, इटावा में क्या है, फिर इटावा के थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करेंगे, फिर यूपी में एक्सप्लोर करेंगे, फिर थोड़ा सा आसपास के स्टेट में जाएंगे, फिर इंडिया में जाएंगे। और बच्चे को ढील दिया करेंगे मम्मी के पास, बच्चे को ढील दिया करेंगे। बच्चे को भी हम ट्रैवलर बनाएंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रोफेशनल बने। पाँच साल का होने तक बच्चा मतलब एकदम प्रोफेशनल। हाँ हाँ छोटे से ही, मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं, अगले दो साल के बाद है ना। फिलहाल तो हम लोग यहाँ कहीं आस पास जा सकते हैं। हाँ अभी तो जा सकते हैं, नहीं अगले दो साल के लिए हम यहीं रहने वाले हैं। पहले तो हमें पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है कि अपने देश में क्या। धनिया उसमें करने जा रहा हूँ अभी, धनिया काट दो फिर आऊँ। हाँ तो हम लोगों ने मम्मी को भी बता दिया कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। मम्मी एग्री करी, मम्मी पहली कह रही है मैं तो वैसे ही कहीं नहीं ले जाने दूंगी उसे, है ना। अपनी मरे वाले है ना। मम्मी ने जब मेरा ख्याल इतनी अच्छी तरह रखा है तो उसका तो कितनी अच्छी तरह। हाँ ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि हम ले जाना नहीं चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा ही सही रहेगा जो हम अभी सोच रहे हैं करना। वैसे भी अगले 6 महीने तो ऐसे ही जाने वाले हैं हम लोगों के, तो वैसे कोशिश करेंगे कि हम आपको इटावा और इटावा के आसपास की जगह दिखा सकें कि क्या क्या है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है इटावा में, देखना अच्छा लगेगा। अरे हाँ अभी शिवम की शादी होने वाली है, अभी इसके भाई के शादी होने वाली है। हाँ लेकिन शिवम की शादी से पहले भैया की शादी है, मनु भैया की। मनु भैया की शादी है नवंबर में ना, 28 नवंबर, तो मज़ा आएगा। क्या सोनू भैया की शादी में जो इतना मज़ा आया था, मनु भैया की शादी में तो सोनू भैया दूर गोड़ी तो थोड़ी भी लगे, पर सोनू भैया इतने मज़े कर। अब सोनू भैया और राशिका भाई नहीं, बच्चा ही मतलब मम्मी है ना। मम्मी कह रही थी हम लोग को लेके नहीं जाएंगी सोनू भैया वो मनु भैया की शादी में, क्योंकि हम लोग बच्चा होने दे देंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे इसलिए। हाँ, तुम लोग भी डांस करने मत कराओ, बच्चा लगवाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, हाँ, नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें एक प्याज और डाल दूँगा मेरे में, एक प्याज और डाल दूँगा, छोटी छोटी कुतर के मैं ही डाल दूंगा, रहने दो इसको, यहीं रोकते हैं। टाइम हो गया, 9 बज चुका, बस 3 मिनट की हो रहेगी, बस 3 मिनट की हो रहेगी, वो मर गया बस। चलते हैं बस।